मैफलोक्वीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग और एंटी मलेरियल में भी इट्स अ स्किज़ियोन्टोसिडल ड्रग सो इट्स गोइंग टू किल मलेरियल पैरासाइट्स इन द आरबीसीस आरबीसीस के अंदर जो भी मलेरियल पैरासाइट्स हैं उनको मैफलोक्वीन किल करेगी और इसीलिए हम इसे कहेंगे इट इज अ स्किज़ियोन्टोसिडल ड्रग सो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैफलोक्वीन करेगी क्या इट्स गोइंग टू इनहिबिट हीम पॉलीमरेज एंजाइम। अब हीम जो कि एक टॉक्सिक कंपाउंड है वो सेल के अंदर डिग्रेड होता है इनटू लेस टॉक्सिक या इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर और ये जो डिग्रेडेशन होती है हीम पॉलीमरेज एंजाइम कैरी आउट कर रहा होता है अब जो मैफ्लोक्विन होती है वो करती क्या है इस हीम पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर जाती है जिसकी वजह से सारा रिएक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाता है और हीम की जो कन्वर्जन है वो भी इनहिबिट हो जाती है जिसके रिजल्ट में हीम की कॉन्सनट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज कर जाती है सो द टॉक्सिक ही मॉलिक्यूल्स एक्यूमलेट एंड किल द पैरासाइट जिसकी वजह से अल्टीमेटली पैरासाइट की डेथ हो जाती है सो so इसी डेथ की वजह से हम कह सकते हैं कि मैफ्लोक्वीन इज अ सिडल ड्रग यानी एश्सीटोसाइड को किल करेगी फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ओरली देंगे ऑफ एक्शन स्लो है और हाफ लाइफ इसकी 16 आवर्स है सो अगर क्लिनिकल यूज की बात करें तो मैफ्लोक्वीन को हम उन एरियाज में यूज कर सकते हैं जहां पर क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट फॉल्सिप्रम मलेरिया है और उस फाल्सिप्रम मलेरिया की कीमो प्रोफाइल एक्सेज में हम मेफ्लोक्वीन यूज कर सकते हैं इसके अलावा मैफ्लोक्वीन इज नॉट यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फालसप्रम मलेरिया बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस इसके अलावा जो बिनाइन मलेरियाज है उसकी ट्रीटमेंट में भी हम मेफ्लोक्वीन यूज़ नहीं कर सकते वैसे कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि बाक़ी लेस टॉक्सिक टर्गस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं मेफ्लोक्वीन एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है जिसकी वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक रिएक्शन आ सकते हैं हेलोसिनेशन आ सकती हैं सीवियस डिसऑर्डर्स ल्यूकोपीनिया वगैरह आ सकते हैं सो so इसकी टॉक्सिसिटी बहुत है इसीलिए हम इसे बिनाइन मलेरियाज के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे सो so अगर टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स में देखें तो मैफ्लोक्वीन की वजह से जीआई आई हो सकती हैं न्यूरोसाइकेट्रिक रिएक्शन फॉर एग्जांपल ए टैक्जिया कन्फ्यूजन हेलोसिनेशन एंड कन्वर्जन उसके अलावा सीवियस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं रैश फीवर हो सकता है और ल्यूकोपीनिया भी हो सकता है तो so फाइनली अगर सारी एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स को हम क्लासिफाई करें तो इसके कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं कुछ ड्रग्स होंगी वो एंटी मलेरियल होंगी कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी अमीबियासिस होंगी कुछ ड्रग्स जो होंगी वो लिशमिन के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं कुछ ड्रग्स जो हैं वो नीमोसाइटोसिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं कुछ ड्रग्स जो हैं वो टोक्ोप्लाजमोसिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं और कुछ ड्रग्स जो हैं वो ट्राइपेनासोमियास के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं सो अगर सबसे पहले एंटी मलेरियल्स की बात करें तो मलेरियल में जो पहला ग्रुप है वो होगा टिशू स्किट्जी जिसमें प्राइमाक्विन आएगी टिश्यू स्किट्सी के बाद जो ब्लड इ्स हैं उसके अंदर क्लोरोक्विन आर्टीमिसिन आर्टिसनेट आर्टीमेथर आर्टी डाई हाइड्रो आर्टीमिस और क्विनिन क्विनिडीन और मैफ्लोक्न आ सकती हैं इसके अलावा अगर स्पोरेंटिसाइड या एंटीफोलेट्स की बात करें तो उसमें डैपसोन सल्फर डॉक्सिन प्रोगानिल और पैरामेथेमिन आ सकती हैं और अगर एंटी मलेरियल में कुछ अदर ड्रग्स की बात करें तो डॉक्जिसाइकलिन एमोडियाक्न उसके अलावा एटोवाक्विन हेलोफेंट्रीन और ल्यूमोफेंट्रीन आ सकती हैं एंटी मलेरियल्स के बाद अगर अमीबियासिस के अगेंस्ट यूज होने वाली ड्रग्स की बात करें तो अमीबियासिस में जो पहला ग्रुप है वो टिश्यू अमीबियोसाइड्स आ सकती है जिसमें क्लोरोक्विन एमिटीन मेट्रोनाइडाजोल और टनीडाजोल आ सकते हैं टिश्यू अमीबियो अमीबिसाइड्स के बाद कुछ लूमिनल अमीबिसाइड हैं जिसके अंदर डायलॉगजोनाइड आ सकते हैं डायलॉगजनाइड फ्यूरेट आयोडोक्विनोल और प्रामोमाइसिन इसके बाद अगर लेशमिनी के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो लेशमिनियसिस में हम देख सकते हैं कुछ ड्रग्स हैं वो ऑल टाइप्स ऑफ लिशमिनी के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं कुछ ड्रग्स हैं जो सिर्फ किटेनियस लिशमिनी के अगेंस्ट यूज़ हो सकती हैं कुछ ड्रग्स जो हैं वो म्यूको किटेनियस के अगेंस्ट यूज़ होंगी और कुछ ड्रग्स जो हैं वो विसरल लिशमिनी के अगेंस्ट यूज़ होंगी सो अगर लेशमिनी में ऑल टाइप्स ऑफ लिशमिनी के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग की बात करें दिस इज सोडियम स्टिबो ग्लूकोनेट उसके अलावा अगर हम क्यूटेनियस लिशमिनी के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें फ्लोकोनाजोल और मैट्रोनाइडाजोल आ सकती हैं इसके बाद अगर म्यूकोक्यूटेनियस लिशमिनी में यूज़ होने वाली ड्रग की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी और अगर विसरल लिशमिनी के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें पेंटामिडीन आ सकती है परोमोमाइसिन और मल्टीफोसिन आ सकती हैं इसके अलावा अगर न्यूमोसाइटोसिस के अगेंस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें कॉट्रीमोगोजोल आ सकती है नाउ दिस कॉट्रीमोगजोल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईमेथोप्रेम एंड सल्फा मिथोक्जोल उसके अलावा पेंटीमिडीन uh, आ सकती है एटोवाक्वीन आ सकती है टी एम पी विच इस ट्राईमेथोप्रेम एंड डैपसोन उसके अलावा प्राइमाक्वीन एंड एंडक्लिंडामाइसिन और इसके अलावा ट्राइमिट्रेगजेड एंड ल्यूकोवोरिन इसके बाद अगर टोक्जो प्लाजोसिस के गेस्ट यूज़ होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें सल्फा सॉक्जोल आ सकती हैं क्लेंडामाइसिन एंड फोलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन आ सकता है टी एम पी विच इज ट्राइमेथोप्रेम और सल्फामिथॉक्सोल का कॉम्बिनेशन आ सकता है इसके बाद अगर ट्राईपेनो सोमियास के अगेंस्ट यूज होने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें आ सकती है पेंटामिडीन मिलैरसोप्रोल नाइफ्रोटीमॉक्स सुरामिन एंडलोनीथीन